है। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी मैं हूँ आगरा में। तो आज हम लोग आगरा जो है तो आगरा को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आगरा में कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने के लिए, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगरा शहर में। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्सप्लोर करेंगे वो होगा आगरा फोर्ट। तो हम लोग आज आगरा फोर्ट को एक्सप्लोर करें, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में दूसरे लोकेशन पर चलते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगरा फोर्ट। तो हम लोग इस साइड से चलेंगे अंदर में। गेट का पहले नाम था अकबरी गेट, उसके बाद से जब शाहजहाँ ने आया तो इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो उसका सेनापति था वो मारा गया था इसमें, तो इसीलिए उसका नाम इस गेट का नाम रख दिया गया अमर सिंह गेट। और इसके चारों तरफ देख सकते हैं ये जो लगाए गए यहाँ पर, ये किले के सेफ्टी के लिए लगाए गए। जो पहले ज़माने जो यहाँ इसमें घड़ियाल छोड़ दिया करते थे या फिर क्रोकोडाइल छोड़ दिया करते थे इसमें, ताकि चारों तरफ वो घूमते रहे। और ये किले के चारों तरफ है, आप चाहे इधर भी जाएगा तो आपको ये चारों तरफ आपको देखने को ये मिलेगा। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर से पूरा किले का व्यू दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर का व्यू जो देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा यहाँ पर दीवार बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी एंट्री का गेट है। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था, यहाँ से एंट्री किया था, यहाँ देख सकते हैं। अभी मैं चलूँगा इस साइड में, इस साइड में लेकर आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। इधर मैं अभी इस साइड में दिखाया था पूरा व्यू। ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं पूरा इधर से पूरा इधर। इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ ये ऊपर का पूरा व्यू। ये मेन गेट का व्यू देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरे उसके ऊपर का व्यू है। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम लोग इस साइड से चलते हैं अंदर, अंदर से जाकर पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं। अभी हम लोग ऊपर की तरफ चलना है इस साइड से। मेन किला हम लोग को आगे की तरफ मिलेगा, चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, आगे दिखा दूँ। और भाई यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर आए हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाते हैं वीडियो में, देख सकते हैं ये सारे के सारे फॉरेनर हैं। सही में बहुत ज़्यादा फॉरेनर यहाँ पर आए हुए हैं, चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका एंट्रेंस गेट, इंटर करने का गेट सेवन देख सकते हैं ये पूरा। ये गार्डन है, ये इस साइड में पूरा ये गार्डन है। मैं आपको उस साइड लेकर चलता हूँ, उधर से पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको ले चल कर। और यह ये देख रहे हैं, ये जहांगीर का स्नान कुंड है। पहले जो जहांगीर थे इसी में नहाते थे, ये जो देख रहे हैं इसमें नहाते थे। चलिए मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ अंदर, ये जहांगीर महल है। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर से पूरा व्यू दिखा देगा अंदर से जहांगीर महल देखने में कैसा लगता है। चलिए अंदर लेकर चलता हूँ। ये इसका एंट्री गेट देख सकते हैं यहाँ पर, और ये इसका अंदर का व्यू जो देख सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। ये देख सकते हैं
आप चारों तरफ जो इसका डिजाइन और डिजाइन देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में भी देख सकते हैं, ये ऊपर का उसका डिजाइन है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं इस साइड से, अंदर अंदर से देख दिखाता हूँ मैं आपको, इस साइड में चलते हैं अपन। ये इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं, ये वैसे मैं आपको फोन से दिखाता हूँ, फिर दूसरे साइड से दिखा देता हूँ। और इस साइड में देख सकते हैं ये सारा डिजाइन बनाया गया, देख सकते हैं ऊपर में दोनों डिजाइन एक ही बनाए गए, ऊपर में देख सकते हैं आप दोनों डिजाइन को एक ही बनाया, एक ही तरह बनाया गया है। और सामने का डिजाइन को चेंज कर दिया गया है, मैं कुछ साइड में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस डिजाइन को चेंज कर दिया गया है, हर साइड में अलग अलग डिजाइन को बनाया गया, उस साइड भी डिजाइन को चेंज कर दिया गया है, देख सकते हैं। ये इसके ऊपर का व्यू है, और ये उसका और आगे गए तो उसके आएगा व्यू, जो कि पूरा ऊपर देख सकते हैं, पूरा हॉल है, खाली है, देख सकते हैं ये ऊपर का इसका डिजाइन है। चलिए मैं आपको उस में लेकर चल दिखाता हूँ पूरा व्यू, ये आगे से कैसे दिखने में लगता है। ये देख सकते हैं ये गुंबद है, इस साइड से आपका ग्वालियर, सॉरी आपका जो आगरा शहर है वो देखने में लगता है। देख सकते हैं सामने में गार्डन भी बनाया गया है, आपको सर हम देख सकते हैं गार्डन भी बनाया गया है वहाँ पर। तो अभी हम लोग चलेंगे इधर जहांगीर महल की तरफ, तो चलिए मैं आपको लेकर जहांगीर महल की तरफ। और ये रहा हमारा जहांगीर महल, ये सब जहांगीर महल है, तो चलिए मैं अभी इस साइड में लेकर जाता हूँ। फिलहाल मैं आपको इस साइड से मैं आपको ताजमहल दिखाता हूँ, हमारा आगरा फोर्ट है, वहाँ से ताजमहल हमारा दिखने में कैसा लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये रहा हमारा ताजमहल, देख सकते हैं ये है ताजमहल। तो आपको नेक्स्ट वीडियो हमारे ताजमहल का मिलेगा, तो लोकेशन पहुँचे। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ जहांगीर महल की तरफ, ये देख सकते हैं ये है जहांगीर महल। इस साइड में ये मैं आपको दूर से पहले इसका व्यू दिखा देता हूँ जहांगीर महल का, देख सकते हैं ये जहांगीर महल है, मतलब मेन ये इस साइड में है, तो मैं उस साइड भी लेकर चलता हूँ। पहले ये दिखा, ये देख सकते हैं इसका अंदर का ये पूरा व्यू है जहांगीर महल का, ये नीचे में पूरा गार्डन बनाया गया है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये सब नीचे में गार्डन बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर सारा गार्डन बनाया गया है यहाँ पर, और बहुत सारे फॉरेनर हैं यहाँ पर। ये हमारा जहांगीर महल, तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर से पूरा व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये चारों साइड का मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप पूरा इसके चारों तरफ का व्यू है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर की तरफ, अंदर से पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा भी है खास महल, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ खास महल के ऊपर, दिखाता हूँ पूरा व्यू अंदर से। ये देख सकते हैं इसका डिजाइन है, ये अंदर से ये इसका डिजाइन है अंदर से। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, ये सारे इसमें अंदर में डिजाइन बनाया गया, देख सकते हैं आप। शाहजहाँ को कैद करा था उसके बेटे ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो जगह है, यहाँ पर उसके बेटे ने कैद करके रखा था शाहजहाँ को 8 साल तक। और उसके बाद से मरने के बाद से उसके कनाल से ले गया था उसके बॉडी को, उसके बॉडी को ले गया था, उसकी बेटी ने ले जाकर थी, जो कि रास्ता सीधा हमारा जाता है ताजमहल की तरफ, जो कि यहाँ से आप बोलेंगे तो पूरा ताजमहल दिखाई देगा आपको।
ये देख सकते हैं ये वो व्यू है जहाँ पर शाहजहाँ को 8 साल तक कैद करके रखा गया था इस साइड में, और यहाँ पर रखा गया था कैद करके। मैंने अभी आपको व्यू भी दिखाया, और यहीं से उसकी 8 साल के बाद जब उसकी डेथ हुई तो उसकी बेटी जो थी बेटी इस टनल्स होकर उसकी बॉडी पर लेकर जो कि ये रास्ता सीधा ताजमहल तक जाता है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर से पूरा घूमेंगे, ऊपर में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए है। चलिए मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। देख रहे हैं ये जो है ये अकबर ने यहाँ पर मीना बाज़ार स्टार्ट किया था, जो कि उसके बाद से जो शाहजहाँ आए तो उसको शिफ्ट करवा दिया वहाँ फतेहपुर सीकरी करवा दिया गया। उसके बाद से फिर जो दोबारा उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। ये देख सकते हैं ये इसके बाहर का व्यू है जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं। और इस साइड से हमारा दिख रहा है ताजमहल, देख सकते हैं ये हमारा ताजमहल देखने में बहुत ही प्यार लग रहा है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ उस साइड में और उधर से पूरा व्यू देख। और ये है यहाँ का मस्जिद, देख सकते हैं इसका नाम है नगीना मस्जिद, जो कि उस ज़माने में बनाया गया था यहाँ पर, देख सकते हैं। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं शाहजहाँ के ज़माने का ये मस्जिद है। ये देख सकते हैं ये इसके दूसरी साइड का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कि पिलर यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये है इसका गार्डन एरिया, देख सकते हैं गार्डन बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं यहाँ पर। चलिए मैं आपको चल के साफ पास से दिखाता हूँ गार्डन। ये देख सकते हैं ये है पूरा गार्डन एरिया। ये पूरा गार्डन एरिया है। तो ये है अकबर का कोर्ट, जो भी देख सकते हैं यहाँ अकबर का कोर्ट। जो अकबर था पहले ऊपर बैठा था, और जो उनके लोग थे वो नीचे बैठते थे, जो जनता थी वो नीचे बैठती थी, नीचे बैठ कर वहाँ पर वहाँ कोर्ट लगता था। लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सब बैठते थे, यहाँ पर ये सारा देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में बैठते थे। ये है जॉन रसेल कैल्विन फिलिप्स का कब्र है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर। वो साइड से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा भी गया है। तो हे गाइस, यही था आज की वीडियो। मेरे को तो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ हो तो नीचे कमेंट करो। और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो नीचे रेड का बटन दिखाई दे, सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आपको लेकर चलता हूँ मैं नेक्स्ट लोकेशन में, यानी ताजमहल। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ताजमहल पर, दिखाता हूँ पूरा ताजमहल का व्यू।